आज हम सुनेंगे गरुड़ और विष्णु की पौराणिक कथा। ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थी, जिनमें से दो वनिता और कद्रु थी। ये दोनों ही बहनें थी जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थी। दोनों के पुत्र नहीं थे तो पति कश्यप ने दोनों को पुत्र के लिए एक वरदान दे दिया। वनिता ने दो बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कद्रु ने 1000 सर्प पुत्र रूप में मांगे, जो कि अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे। सर्प होने के कारण कद्रु के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी माँ के कहे अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनों में शर्त लग गई थी कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे, हारने वाले को उसकी दासता स्वीकार करनी होगी। इधर सर्प ने जो जन्म ले लिया था, लेकिन वनिता के अंडों से अभी कोई पुत्र नहीं निकला था। इसी जल्दबाजी में वनिता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से अर्ध विकसित बच्चा निकला, जिसका ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर अर्धपक्व था। इसका नाम अरुण था। अरुण ने अपनी माँ से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे में से निकला उनका पुत्र उन्हें इस श्राप से मुक्त ना करवा सका तो वह आजीवन दासी बनकर रहेंगी। भय से विनीता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के श्राप देने के कारण शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे काल के बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से विशालकाय गरुड़ निकला, जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी शरीर इंसानों की तरह था। हालांकि उनकी पसलियों से जुड़े उनके विशालकाय पंख भी थे। जब गरुड़ को यह पता चला कि उनकी माता तो उनकी ही बहन की दासी है और क्यों है यह भी पता चला, तो उन्होंने अपनी मौसी और सर्पों से इस दासत्व से मुक्ति के लिए उन्होंने शर्त पूछी। सर्पों ने विनिता की दासता की मुक्ति के लिए अमृत मंथन से निकला अमृत मांग लिया। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्ग लोक की तरफ तुरंत निकल पड़े। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा कर रखी थी। पहले चरण में आग की बड़े पर्दे बिछा रखे थे, दूसरे में घातक हथियारों की आपस में घर्षण करती दीवार थी और अंत में 2 विषैले सर्पों का पहरा। वहां तक भी पहुंचने से पहले देवताओं से मुकाबला करना था। गरुड़ सबसे भीड़ गए और देवताओं को बिखेर दिया। तब गरुड़ ने कई नदियां का जल मुख में ले पहले चरण की आग को बुझा दिया। अगले पथ में गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका और सांपों को अपने दोनों पंजों में पकड़कर उन्होंने अपने मुंह से अमृत कलश उठा लिया और धरती की ओर चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ के मुंह में अमृत कलश होने के बाद भी उसके प्रति मन में लालच न होने से खुश होकर गरुड़ को वरदान दिया कि वो आजीवन अमर हो जाएंगे। तब गरुड़ ने भी भगवान को एक वरदान मांगने के लिए बोला तो भगवान विष्णु ने उन्हें अपनी सवारी बनने का वरदान मांगा। इंद्र ने भी गरुड़ को वरदान दिया कि वो सांपों को भोजन रूप में खा सकेगा। इस पर गरुड़ ने भी अमृत सकुशल वापसी का वादा किया। अंत में गरुड़ ने सर्पों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रखकर कहा कि यह रहा अमृत कलश, मैंने यहाँ इसे लाने का अपना वादा पूरा किया और अब यह आपके सुपुर्द हुआ, लेकिन इसे पीने के आप सभी स्नान करें तो अच्छा होगा। जब वे सभी सर्प स्नान करने गए तभी वहाँ अचानक से भगवान इंद्र पहुँचे और अमृत कलश को वापस ले गए, लेकिन कुछ बूंदे भूमि पर गिर गयी जो घास पर ठहर गई थी। सर्प उन बूंदों पर झपट पड़े लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। इस तरह गरुड़ की शर्त भी पूरी हो गई और सर्पों को अमृत भी नहीं मिला। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे
व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथाएं और कहानियाँ यूं ही मिलती रहेंगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।